गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। नया दिन नया व्लॉग। आपने बाइक के चला देख ली होगी भाई, अभी बाइक दिख गई थी इनकी थी। तो कोई बात नहीं, तो भाई आज का व्लॉग हम स्टार्ट करने वाले हैं भाई, बहुत ही डिमांडिंग बाइक की, 125 सीसी की बाइक है। आपको पता ही होगा यार, क्या ही आपसे छुपाऊँ आप भाई लोग। तो भाई अपने सामने है भाई होंडा की SP 125 तीन दिन हुए हैं बाइक को, और हम आपके लिए लेके आ गए होंडा की SP 125। भाई मोस्ट अवेटेड बाइक, भाई बहुत डिमांडिंग में थी, बहुत बंदे कमेंट कर रहे थे कि भाई SP SP SP। तो हम आपके लिए नई खरीद के SP लेके आ गए। और बोलो, नंबर प्लेट भी नहीं है? नंबर प्लेट तो भाई बिल्कुल नहीं है, HR नंबर गाड़ी है, तो अपने दोस्त की गाड़ी है, बदमाशों का क्षेत्र। तो भाई आज इसके बारे में हम बात करने हैं प्रॉपर एक एडवांटेज की वीडियो की, बाइक में फीचर्स क्या क्या हैं, प्रो की वीडियो। तो बाइक जो जो फीचर देती है, क्या क्या अच्छाई है बाइक के अंदर, उसकी एक डेडिकेटेड वीडियो होने वाली है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बाइक की हेडलाइट से। तो 125 सीसी के अकॉर्डिंग और इस प्राइस रेंज के अंदर आपको मिलती है भाई LED का सेटअप, पूरा LED का सेटअप है आपका। मैं आपको भाई ऑन है, देखो अगर मैं आपको बंद करके दिखाऊं, ये देखो एंड मैं आपको डिपर दूं, ये देखो। तो भाई नाइट में जो इसका थ्रो है भाई गजब, मतलब बिल्कुल वाइड एरिया उसका कवर करता है, ठीक है। अगर मैं दूसरी चीज़ बताऊँ तो भाई इतनी सस्ती बाइक है और इसमें जो जो फीचर मिलते हैं मैं आपको बारी बारी सब कुछ बताता हूँ। तो सेकंड अपना भाई मीटर कंसोल, ये देखो मैं एक बार इसे चालू करता हूँ। तो काफ़ी चीज़ें भाई इसके अंदर आपको मिलती है, न्यूटन का साइन है, साइड स्टैंड कट ऑफ इसको मिल जाता है आपको, ठीक है। यहाँ पे माल फंक्शनिंग की लाइट है आपका, यहाँ पे आपका फ्यूल गेज मिल जाता है, आपका किलोमीटर कितना रन चली है, ठीक है। टाइमिंग बता रहा है, टाइमिंग सेट नहीं है आगे पीछे, इसको इग्नोर करना। आपका मेन चीज़ भाई, मेन चीज़ गियर शिफ्ट इंडिकेटर मिलता है आपको, कि बहुत ज़्यादा डिमांडिंग भाई बोलते हैं बंदे कि ये चीज़ होना चाहिए होना चाहिए। तो देखो मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाता हूँ। तो अभी न्यूटन है, तो गाइस ये देखो न्यूटन से आपका आ गया सेकंड गियर पे और ये आ गया न्यूटन। तो भाई आपको बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चीज़ आपको ये लगेगी। एंड आपको मैं दिखाता हूँ किलोमीटर रेंज, कितने पेट्रोल के अंदर कितने किलोमीटर बाइक चलेगी। सबसे अच्छी चीज़ तो भाई मुझे बाइकों में नहीं मिलती जनरली, वो इसके अंदर है। तो कितने पेट्रोल में कितनी चलेगी, तो ये 289 किलोमीटर चल सकती है इस पेट्रोल के अंदर। एंड आपका टोटल किलोमीटर कितने चलिए वो आपको बता रहा है। एंड आपका ट्रिप ए ट्रिप बी इसके अंदर ये चीज़ मिलती हैं आपको, ट्रिप बी आ गया, ठीक है। तो भाई और एवरेज कितनी दिखा रही है भाई, तो 52.5 की एवरेज दिखा रही है, ठीक है। तो भाई इतने सारे इसके अंदर फीचर्स हैं भाई 125 के अकॉर्डिंग और इस प्राइस रेंज के अंदर, आपको मतलब फीचरों की भाई इन्होंने मतलब बाढ़ ला रखी है, बहुत गंदे गंदे फीचर डाल रखे हैं, एक नंबर मज़ा आ गया, ठीक है भाई। बड़े ही कॉम्पैक्ट सा है आपका इसका ये, लेकिन फीचर के नाम पे भाई बहुत बहुत सारे फीचर हैं इसके अंदर। अब इसके बाद हम करते हैं भाई टैंक। तो टैंक इसके अंदर भाई आपको मिल जाता है 11 point something कुछ है, तो आप 11 point मान के चल सकते हैं। तो 11 का आपको इसके अंदर लीटर का आपको टैंक मिल जाता है। एंड साथ ही साथ मैं आपको बता दूं इसकी एवरेज, तो कंपनी क्लेम करती है 65 या 70 की एवरेज क्लेम करती है, और बाइक अभी मैंने आपको दिखाया 52 की एवरेज बाइक दे रही है। 350 किलोमीटर चले हैं, तो अभी खुलेगी फर्स्ट सर्विस होगी तो एवरेज बढ़ जाएगी ओबियसली। बाकी अगर मैं बात करूँ इसकी सीट कम्फर्ट की, तो भाई मज़ेदार कुशनिंग यार, एक नंबर है इस बाइक की देखो। एंड जो मेन एडवांटेज है वो है इसके अंदर स्प्लिट सीट ना होना, क्योंकि स्प्लिट सीट से क्या होता है आप तीन बंदे नहीं बिठा सकते, तो एक इसकी आपको सिंगल सीट मिलेगी, जो बहुत ही अच्छी आपको एक एडवांटेज प्रोवाइड करती है। और एक आपको अगर राइड पे जाना है तो काफ़ी कुशनिंग सीट कम्फर्ट, तीन बंदे तो आपको बिल्कुल मत बिठाओ, चलान कट जाएगा। तो ये काफ़ी चीज़ अच्छी लगती है मुझे इसके अंदर की स्प्लिट सीट नहीं आती और कुशनिंग काफ़ी अच्छी है बाइक इसके अंदर। एंड ये नहीं आता बिल्कुल भाई, उसमें भाई दिक्कत होती है। एंड पीछे आपको हैलोजन मिलता है, ये भी आपको हैलोजन मिलेगा, ये भी हैलोजन मिलेगा। एंड मेन चीज़, अच्छा बाइक वो दबा दी लाइट, हाँ जल रही है भाई। एंड मेन चीज़ भाई जो मुझे काफ़ी पर्सनली अच्छी लगती है इसका भाई, साइलेंट स्टार्ट, मतलब एक टच पे आपकी बाइक पूरी स्टार्ट है। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी बाइक ऑन है, स्टैंड हटा के ही ऑन होगी ऑब्वियसली भाई। तो स्टैंड हटाया और ये देखो मैं सिंगल टच करूँगा स्टार्ट, इतनी साइलेंट बाइक है, मतलब मैं कह रहा हूँ होंडा की बाइक भाई इस मामले में एक नंबर है, रिफाइंड है। और रिफाइंड देखो यार आप, ये देखो, मतलब मैं कह रहा हूँ भाई इतनी रिफाइंड बाइक होंडा कैसे बनाता है मुझे नहीं पता। मेरे पास पर्सनल लीवो बाइक है, होंडा लीवो, मतलब ऐसी बाइक है वो कि जब स्टार्ट होती है तो पता नहीं लगता कि बाइक स्टार्ट है कि ऑफ है, एक नंबर मज़ेदार वाली बाइक है भाई। सबकी प्यारी चीज़ भी दी गई है, क्या
और यार बताओ हटाया जा रहा है 125 में किक नहीं आ रही यार आजकल, आ रही है मेरे में क्या दिखा रहा है? अरे रेडर की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ उसमें नहीं आ रही वो भी 125 है ना, वो भी हमारे पास लाल रंग की है, उसमें भी नहीं आती। ट्रक में भी किक कहीं ट्रक में आती नहीं यार, पता नहीं क्यों देते भाई। लेकिन SP 125 में आपकी किक आती है तो ये काफी अच्छी चीज मेरे को लगी। बाकी भाई इसके अंदर सस्पेंशन काफी अच्छे हैं, आगे आपको डिस्क मिल जाती है। डिस्क का जो आपको परफॉर्मेंस मिलेगा, मैं अभी चला के लेके आया हूँ, तो भाई एक नंबर। मतलब पिकअप तो बाइक के अंदर है ही है, और पिकअप के साथ साथ ब्रेकिंग भाई अच्छी होनी चाहिए, और इसमें एक नंबर ब्रेकिंग है। एंड मेन चीज़ आपको बताता हूँ, बाइक भाई जो कंपनी क्लेम करती है वो 100-105 की स्पीड करती है कि इससे ऊपर नहीं जाएगी, बट ये 125 में, चलो वो आपकी एडवांटेज हो गई, मैं आपको उसमें क्या कर रहा हूँ, तो एडवांटेज डिसएडवांटेज की वीडियो हम अलग बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो बाकी ओवरऑल देखा जाए बाइक बहुत अच्छी है, नो डाउट, चलाने में, कंफर्ट में, हैंडलिंग में, लाइटिंग में, फीचर्स के मामले में, टायर की ग्रिप्स के मामले में, ब्रेकिंग के मामले में, इंजन की रिफाइनमेंट के मामले में, सब कुछ ओके है बाइक के अंदर, कोई दिक्कतबाजी नहीं है इस प्राइस रेंज के अंदर। एंड मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, वो भी मैं अच्छाई में बता दूंगा, क्योंकि 125 के अकॉर्डिंग पावर डिलीवर करती है भाई, 10.7 PS की पावर है, 11 न्यूटन मीटर का इसका अंदर टॉर्क आता है, आपको चलने में बहुत बढ़िया है, पिकअप बहुत बढ़िया है बाइक का, आप चलाओगे तो अलग ही आपको प्लेजर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है इस बाइक के अंदर। आपको डेली कम्यूट करना है ऑब्वियसली, आप जाओ इस बाइक को परचेज करो, टेस्ट ड्राइव लो, परचेज करो, कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत स्मूथ चलती है। अब एंड में हम बताते हैं भाई प्राइस क्या है इस बाइक का जो कंपनी देती है आपको, तो वो देती है भाई 1,05,000, बिल्कुल सही है, 1,05,000 रुपये की आपको एक दिल्ली में ऑन रोड, आपको दिल्ली का बता रहा हूँ, स्टेट वाइज वैरी करता है, अलग अलग आपको प्राइस मिलेगा। बाकी 1,05,000 रुपये में कोई बुराई नहीं है बाइक, आप जाओ परचेस करो, अगर आपको डेली कम्यूट करना है कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत रिफाइंड बाइक है, चलाओ टेस्ट ड्राइव लो, तो भाई एक बार अब लुक देख लो। और भाई यही कुछ आपकी बाइक की एडवांटेज थी, आपको मैंने कुछ पावर स्पेक्स बता दिए, लुक्स बता दिए, आपका LED सेटअप बता दिया, कुशनिंग बता दी, टायर का आपको बता दिया, 18 इंच के टायर मिलते हैं इसमें आगे पीछे दोनों। एंड ओवरऑल देखा जाए बहुत ही बढ़िया बाइक है, शानदार बाइक है। तो आई थिंक आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा व्लॉग। और भाई मैं एक चीज़ मैं लास्ट कर रहा हूँ, इसके अंदर भाई हार्दिक ने मुझे बताया ये कुछ इसके अंदर सिस्टम देते हैं, मुझे नहीं पता है, दो तार निकली होती हैं और आगे डिस्क के अंदर जा रही हैं ये, तो जो इसकी डिस्क की बाइट है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब इसको क्या बोलते हैं हार्दिक पता है? नहीं पता, हिंट दे सकता हूँ क्या? ई से शुरू होता है, हाँ ठीक है, और एन पे खत्म हो जाता है, एन पे खत्म होता है, ई से चल, नाम है उस टेक्नोलॉजी का, बाकी आपको पता हो तो कमेंट में भाई उसका नाम लिख देना। भाई हार्दिक भाई ने क्वेश्चन बोला तो मेरा भी यही क्वेश्चन है, इसको बोलते क्या है एक्चुअली मेरे को खुद भी नहीं पता, तो अगर आपको पता है कि क्या है क्या नहीं है इस टेक्नोलॉजी को क्या बोलते हैं तो कमेंट लाइन में भर दो, देखते हैं आपको किस किस बंदों को पता है, कौन कौन बंदा बाइक एंथुजियास्ट है, ठीक है, तो कमेंट कर दो कि क्या है टेक्नोलॉजी। बाकी और भी कोई कमेंट हो आपका तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, आप भाइयों लोगों के लिए है, कमेंट करो, बिंदास रिप्लाई मिलेगा। तो वीडियो करते हैं एंड, टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के।